हाय, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो दूसरा दिन मतलब तीसरा दिन शुरू हुआ है जयपुर में और तैयार हो चुका हूँ, आप देख सकते हैं। और अभी निकलने वाले हैं बाहर। निकलने से पहले सबसे पहली चीज़ जो है वो नाश्ता करना है। तो जा करके नाश्ता करते हैं, उसके बाद निकलते हैं। कैब लगता है नीचे आ चुकी है, पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद बाकी के बातें करते हैं रास्ते में। ये सब जाकर आ चुके हैं नाश्ते के लिए। मैं लेट हो चुका हूँ, 9:30 होने आ रहा है टाइम। मैं नहीं किया अब तक नाश्ता, जा कर के जल्दी करते हैं, सिर्फ आधा घंटा बचा है। और नीचे कैब आ चुकी है, निकलने वाले हैं घूमने के लिए। मुझे खुद नहीं मालूम है कौन से प्लेसेस घूमने जा रहे हैं। आज के जो बुफे में है नाश्ते के, मतलब ब्रेकफास्ट के बुफे में, कल जो था आज भी वही है, सिर्फ ब्रेड पकौड़ा ऐड हुआ है और ये चीज़ ऐड हुई है, सिर्फ दो चीज़ ऐड हुआ है। लाइट से नाश्ता किया हूँ मैं आज, क्योंकि कल रात बहुत हैवी हो गया था खाने में, तो इसलिए सुबह में नाश्ता कम किया हूँ। अभी चाय लिया हूँ, चाय पीते हुए टहल रहा हूँ यहाँ पर। चाय पी करके निकलते हैं घूमने के लिए। कैब आ चुकी है, मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। नाश्ते के चक्कर में ना भूल ही गया कि मैं स्कूटी मुझे वापस भी करना है, सिर्फ एक ही दिन के लिए लिया था। एक्सटेंड भी कर सकते हैं उसको कॉल करके, लेकिन आज ज़रूरत नहीं है। कल देखते हैं, कल दोबारा रेंट करें या नहीं करें, क्योंकि कल मेरे दोस्त से मिलना है। जुमा के दिन मिलने का प्लान बनाया था लेकिन वो कैंसिल हो गया। कल आखिरी दिन है संडे, तो कोशिश करूँगा कि कल जाके उससे मिल कर आऊँ। तो कल रेंट करना पड़ेगा दोबारा, अभी जाके वापस कर देते हैं स्कूटी को। तो अभी हम आए हैं यहाँ आमिर फोर्ट, यहाँ से पूरा फोर्ट नज़र आता है। फिर जाएंगे ऊपर, गाड़ी भी जाएगी शायद, देखते हैं। और ये व्यू पॉइंट है आमिर फोर्ट का। ये वॉल जो आपको नज़र आ रही है, ये कनेक्ट होता है नाहरगढ़ फोर्ट के पास भी, सेम ऐसी ही वॉल कनेक्ट होती है। तो वो देखो, वहाँ पर भी है वॉल ऑफ जयपुर पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। आमेर फोर्ट के पास, यहाँ तक गाड़ियाँ आती हैं और यहाँ से चल के जाना पड़ता है, जा करके देखना पड़ता है आमेर फोर्ट। और आगे चलते हैं, चढ़ते हैं पहाड़ के ऊपर, वॉल पूरा पहाड़ के ऊपर, वहाँ पर भी है। ये जो वॉल है ना नाहरगढ़ फोर्ट, जो सामने की तरफ है जहाँ से जयपुर का नज़ारा पूरा दिखता है, वहाँ तक गई है ये फोर्ट। ये पूरा आमेर फोर्ट है और यहाँ पे हाथी भी है, क्या बात है। जहाँ लेक था ना, नीचे फोटोग्राफी चल रही थी, वहाँ पर हाथियाँ, वहाँ से मैं देखा कि हाथियाँ ऊपर चढ़ा कर लेकर आ रहे थे। देखो वो भी एक एंट्रेंस है, वो चल के आने का एंट्रेंस है, मतलब नीचे से ऊपर तक चल के आ सकते हैं या फिर हाथी हायर कर सकते हैं। तो मेरी बेटी को मैं लड़का ले आऊं और सामने है आमेर फोर्ट और यहाँ जा रहे हैं ससुरे साहब, पीछे आ रहे हैं सब, ऊपर चढ़ने का है। चलिए चलते हैं ऊपर, वो साइड से जाएंगे क्या, सीढ़ी नहीं जैसा। और
500 होता है लेकिन 250 ओनली। नहीं भाई शुक्रिया शुक्रिया। 250 में आपको लाइफ में देना जब आप सेटिस्फाई हो कि अच्छा घुमाया। अराउंड 400 ईयर्स पुराना ये फोर्ट है जिस गेट से एंटर होने वाले हैं हम। यह है सिंह पोल या लाइन गेट। इसका जो पेंटिंग है आर्किटेक्ट ये पर्शियन से लिया गया है। पर्शियन का जो कारपेट्स वगैरह होते हैं वैसा इसके ऊपर डिज़ाइन किया गया है। लाइन गेट से नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। सामने का जो वॉल बना हुआ है पहाड़ी पे देख सकते हैं आप, वो देखो वहाँ पर वॉल है और यहाँ पर भी वॉल है। डिजाइन देखो ये वाला क्या ही खूबसूरत बनाया है। चलो एंटर होते हैं। ये वाला जो डोर है ये लकड़ी का है पूरा। क्या है आमेर फोर्ट के अंदर। क्या प्यारा है क्या प्यारा है, मतलब क्या मस्त, मतलब ये लोग यहाँ पे जिए होंगे। देखो कितना बड़ा वरांडा है क्या बोलते थे वो ज़माने में क्या मालूम। और यहाँ से जयपुर नज़र आ रहा है थोड़ा बहुत। ये हॉल ऑफ ऑडियंस पब्लिक हॉल है ये। देखो ये पूरा यहाँ पे पब्लिक बैठती थी, शायद जो महाराजा होता था वो बैठ करके उनके बातें सुना करता था या फिर कुछ शोज वगैरह हो। यहाँ देखो ग्रुप फोटोग्राफी हो रही है। सो ब्यूटीफुल वो पीछे का आर्किटेक्ट है जो मतलब पेंटिंग कहो या फिर डिज़ाइन कहो दीवारों पे। वो देखो ये और ऊपर की तरह था वो वाला जो दीवार है। लगता है रूम के दरवाजे हैं। अभी गाइड हमने लिया नहीं है क्योंकि ज़रूरत नहीं है। ये लोग ऊपर ऊपर का सिर्फ थोड़ा ही इन्फॉर्मेशन देते हैं और ऑलमोस्ट ऑल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा होता है वो पढ़ के बताया जा सकता है। ये जो गेट आपको सामने नज़र आ रहा है ये गणेश पोल या गणेश गेट इसको कहा जाता है। और ये अंदर जाने का रास्ता है महल के, शायद और अंदर जा सकते हैं, जा करके देखते हैं। देखो पब्लिक हॉल इससे पहले मैंने आपको दिखाया था और अभी यहाँ जा रहे हैं। यहाँ से व्यू लगता है अच्छा रहने वाला है। 79 ऑफिसेस कुछ लिखा हुआ था वहाँ पे। ओ लव द मार्बल। थोड़ी देर पहले हमने वहाँ पर रुकाया था, वहाँ से फ़ोटो खिंचवाई थी आमेर फोर्ट। अभी अंदर की तरफ आए हैं और ये वॉक करने का जगह है। देखो हाथी वगैरह आ रहे हैं सब ऊपर की तरफ। गणेश पोल या गणेश गेट के अंदर दाखिल हो रहा है, एंटर हो रहा है। गाइड कुछ बता रहा है। राइट से एक रास्ता जा रहा है और यहाँ पे कुछ है। ओ ब्यूटी ये समर पैलेस है और ये है विंटर पैलेस। सो ब्यूटीफुल अंदर का दिख रहा है मुझे, क्या प्यारा दिख रहा है। ले चलता हूँ थोड़ी देर में। दिस इज विंटर पैलेस और लगता है यहाँ पे पानी जमा हुआ करता था पहले। जावेद
क्या ब्यूटीफुल है अंदर, किस चीज़ से बनाया गया है ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पत्थर ही है शायद। ओए 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 ओए, ये पूरा शीशा लगा हुआ है बीचों बीच में, मतलब पत्थर के बीच में शीशा रखा गया है। देखो फ्लावर पॉट बना है शीशे शीशे से और पत्थर से, और ये देखो अंदर अलाउड नहीं है जाने का। क्या बोलूँ मैं इस बारे में, बहुत प्यारा। फिर देखो बटरफ्लाई या कुछ फ्लाई बनाए हैं डिज़ाइन पत्थर पे, एक ही पत्थर पे पूरा डिज़ाइन है। देख करके अभी समर पैलेस की तरफ जा रहे हैं और वहीं से एग्जिट है, एग्जिट हो जाता है। ये रहा समर पैलेस, ये POP है पूरा, जितना भी आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे POP का काम हुआ हुआ है। देखो ऊपर भी ग्लासेस हैं, शीश। के हैं बाहर, एग्जिट हो चुके हैं और यहाँ पे भी कुछ है हॉल टाइप बना हुआ। बड़ा पोर्ड है, बहुत बड़ा है, मुझे लगा एग्जिट होते ही ख़त्म हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी है प्लेस ऑफ राजा मानसिंह, ये उनकी जगह है, जो यहाँ के राजा थे राजा मानसिंह उनकी जगह है। लेट्स मूव, महल हवेली। टनल, अच्छा ये टनल है शायद वो वॉल के पास जाने के लिए। यार हम तो अभी एग्जिट हो रहे हैं, सेम जगह पे जहाँ से एंट्री पॉइंट हमने किया था वही एग्जिट पॉइंट है, थोड़ा अलग रास्ते से आए हैं बस। अभी जाएंगे नीचे, उतरते हैं आमेर फोर्ट के और देखते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है, नेक्स्ट कहाँ घूमने जाने वाले हैं। वो चल के आने वालों के लिए रास्ता है, इससे पहले भी मैंने कहा था चल के आने वाले, हाँ उज्जैन आवा, चल के आने वालों के लिए रास्ता, और ये रहा गाड़ी से आने वालों के लिए रास्ता। कहीं आए हैं एलिफेंट सफारी देखने के लिए, इल जंगल एलिफेंट सफारी देखो, और वहाँ पे जा रहे हैं थोड़े हाथियाँ और अंदर भी रखे हुए हैं, जा करके घूम कर आते हैं